सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान का हिसाब कभी गलत नहीं होता, गलत आपने किया था किसी का, गलत इसीलिए आपका हो रहा है। हम दुखी होने के बावजूद भी अगर हंसे तो हम सफलता की एक मंजिल चढ़ चुके हैं। जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा वसूल बनाएं, रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। आज का पंचांग 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात्रि 10:53 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र शाम 5:25 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:26 से 4:57 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर सुबह 11:57 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मकर राशि 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार, आप आज अपने परिवहन के साधन से परेशान हो सकते हैं। अगर कहीं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है तो अपने किसी वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था कर लें और कोई बैकअप योजना तैयार रखें। आज आप किसी भीतरी उलझन से परेशान हैं, लेकिन शांति बनाए रखें। यह समय जल्द ही बीत जाएगा। परिवार के साथ समय बिताएं। आप अपने व्यवहार कुशलता द्वारा किसी पारिवारिक विवाद को निपटाने में सफल रहेंगे तथा आपसे संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। युवा वर्ग भी अपनी अस्त व्यस्त दिनचर्या को व्यवस्थित करने की कोशिश काफी हद तक कामयाब होगी। दस्तावेज अधूरे होने से परेशानी बढ़ सकती है, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। करियर संबंधित मार्गदर्शन आपके लिए सही है। आप इस अवसर का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं यह आपकी सोच पर निर्भर करेगा। काम को गंभीरता से लेना होगा। काम करने के बाद भी अपेक्षा काम के अनुसार फायदा ना होने से नाराजगी बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करें। बढ़ते वजन को नियंत्रण में लाना होगा। सावधानियां ध्यान रखें कि किसी अनजान व्यक्ति की वजह से आपको नुकसान पहुँच सकता है। परिस्थितियों का पूर्ण अवलोकन करते रहें तथा आलस को हावी न होने दें। इस समय विद्यार्थी तथा युवा वर्ग भी अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में मेहमानों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। उपहारों का आदान प्रदान जैसी गतिविधियां सबको खुशी प्रदान करेगी। जो आसपास ऐसे ही घूमते रहते हैं उन्हें कोई गंभीर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यह घुमक्कड़ स्वभाव आपकी छवि के लिए खतरा बना हुआ है। आपको बहुत से लोग पसंद तो कर लेंगे, लेकिन आपके बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप यात्रा की जरूरत वाली नौकरी में होने के कारण घर पर बहुत कम समय दे पाएंगे। आपके पार्टनर की चिंता अपनी जगह सही है, क्योंकि यात्रा करने के कारण आप घर को बहुत कम समय दे पाएंगे। बात करते हैं करियर की। आपका धैर्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी की अपनी भावना आपके रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको अपने हास्य क्षमता को जागृत करना होगा ताकि आपका कार्य क्षेत्र में एक अच्छे माहौल का निर्माण हो सके, जिससे कि आप आराम से अपने कार्यों को कर सकें। दिन के अंत में एक गंभीर वित्तीय लाभ का मौका आपको मिल सकता है। व्यवसायिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। पार्टनरशिप संबंधित कार्यों में लाभदायक परिस्थितियां बन रही है। किसी भी काम में आपके सहयोगी की सलाह फायदेमंद रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों का अपने डिपार्टमेंट संबंधित कुछ बदलाव हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। आज स्वास्थ्य संबंधित छोटी समस्याओं से बचकर रहें।
अगर आप समय पर ध्यान नहीं देंगे तो उपयुक्त सावधानी की कमी के कारण एक छोटी सी समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है। अगर आप अब भी स्थिति संभाल सकते हैं तो आप भविष्य में किसी भी परेशानी से तो बच ही सकते हैं। घरेलू उपाय अजमाने की बजाय अपने स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें। आपको अपने डाइट में बदलाव करने की जरूरत है। आज का उपाय, आज शाम को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।